Well, students, in the last session, we covered the political changes that happened under colonial India, right? अब जो है हम लोग economic changes की बात करेंगे. अब अगर economic changes की बात शुरू की जाए तो यहाँ पर जो है कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहली बात, इसमें economic system में जो सबसे बड़ा change या बदलाव आया इस समय में, वो ये आया कि land revenue system के field में जो है बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी. Now you see, like land revenue जो था, land revenue was the most important source of income for the government. Land revenue जिसे कि हम लोग लगान भी कहते हैं, ठीक है? अभी हमारे यहाँ जो है local language लोग कहते हैं पर्चा कटवाना, जमीन का रसीद कटवाना. तो basically वो land revenue भरने के बाद ही हमें जो है वो रसीद मिलती है. तो land revenue जो था वो सरकार के लिए आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण जरिया था, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स था. The British officials surveyed the countryside and fixed the land revenue. जो British officials थे उन्होंने जो है गांव देहात के सुदूर के ग्रामीण क्षेत्रों का जो है सर्वे किया और लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया. जनरली जो था लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट वेरी हाई रेट्स लीडिंग टू हार्डशिप फ्रीक्वेंट फैमिन्स एंड रेबेलियंस. जनरली जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो काफी हाई रखा जाता था, जिसकी वजह से जो है किसानों की जो है मुश्किलें काफी ज्यादा होती थी, अक्सर जो है अकाल पड़ता था और आंदोलन होते थे. Now, initially, the main items taken from India and sold in Britain were spices, calico, and fine cotton clothes called muslin. शुरुआती दौर में जो main item जो India से ले जाके जो है Britain में बेचा जाता था, उसमें मसाले थे, calico, ये थोड़ा जो है basic level का जो है cotton का कपड़ा ही होता है. फिर जो बहुत ही fine quality का cotton clothes होता है, जैसे कि muslin कहते हैं, तो ये सब जाके जो है Britain में बेचे जाते थे. These items were in great demand in Britain and usually paid for in bullion. ये items जो थे वो Britain में काफी ज्यादा demand में थे और usually जो है इनका payment सोने के सिक्कों में होता था. Later, बाद में जो है, many Indians were forced to cultivate opium that was then exported by the British to China in lieu of tea. बाद में कई Indians जो थे उनको जो है जबरदस्ती उनसे जो है अफीम की खेती करवाई जाती थी, ओपीएम की, जो कि बाद में ब्रिटिश जो थे वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे चाय के बदले में. तो मतलब वो चाइना से चाय मंगवाएंगे और चाइना को जो है वो अफीम या ओपीएम बेचेंगे, और वो ओपीएम जो है वो किससे उगवाएंगे, तो इंडिया के किसानों से उगवाएंगे. हैं, बड़े होशियार थे ब्रिटिश. द मेन पर्पस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड. बाद में जो है मेन गोल जो बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बन गया कि जो इंग्लैंड में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है इंडिया में प्रमोट किया जाए, बेचा जाए. ये पेंटिंग देखिए, ये जो है एक वुमन जो है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का मसलिन जो है मसलिन का कपड़ा जो है वो पहन रखी है वो, राइट? सो काइंड ऑफ प्रमोशन यू कैन से एज वेल. यू कैन यू नो लाइक लुक एट दिस पेंटिंग एंड डिस्क्राइब इट इन ग्रेट डिटेल. Okay, that will be one activity that you can perform. When India became a full-fledged colony, it exported raw materials just as jute and cotton to England for the British factories in Scotland and Manchester. जब इंडिया जो है full-fledged colony बन गई इंग्लैंड के, तो फिर जो है ये raw materials जैसे कि jute, cotton, ये सब जो है इंग्लैंड को भेजने लगी, export करने लगी, जो कि British factories जो थे Scotland और Manchester उनमें use होता था. The finished goods made at these factories were then sold back to Indians at prices much higher than those at which raw materials were bought from India. तो एक बार जब वो चीजें जब manufacture हो जाती थी, तो manufacturing के बाद फिर वही चीजें Indian market में जो है बेची जाती थी, और ये जो है जितने में रॉ मटेरियल खरीदा उससे बहुत ज्यादा दाम पे ये बेची जाती थी, ठीक है? तो ओवरऑल ट्रेड विच हैड इनिशियली फेवर्ड इंडिया बिकेम अनफेवरेबल. जैसा ओवरऑल कह सकते हैं कि पहले जो है इंडिया इंग्लैंड का जो ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, इस सेंस में कि इंडिया का बना हुआ सामान जाके इंग्लैंड में बिकता था और उसके बदले में जो है सोना का सिक्का इंडिया आता था. बाद में क्या हो गया कि इंडिया से सिर्फ जो है रॉ मटेरियल जाने लगा और बदले में जो है फिनिश्ड गुड जो है इंग्लैंड का आके इंडिया में बिकने लगा. तो मान लीजिए हम जो है 5 रुपया में रॉ मटेरियल बेचे और उधर से वो जो है सामान बना के 500 रुपया का बेच दिया, हाँ, तो क्या हो गया? कुल मिला के हमको तो 495 रुपए का घाटा हो गया ना भाई, क्योंकि हम तो थोड़ा ही बेचे, हमको वो ज्यादा बेच दिया, हमको ज्यादा चिपका दिया. तो इकोनॉमी को या कंट्री को इससे नुकसान होता है.
इस तरह से जो ट्रेड पहले इंडिया के पक्ष में था वो अब इंडिया के अगेंस्ट हो गया, ये भी जो है कॉलोनाइजेशन की वजह से एक चेंज हुआ था। दूसरा जो चेंज हुआ इंडिया में, ठीक है, वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अब चूंकि अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की बनी हुई, ब्रिटिश फैक्ट्रीज की बने हुए सामान जो थे वो इंडियन मार्केट में बिकने लगे थे, तो उसकी वजह से जो इंडिया का जो अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का सेटअप था उसका मार्केट खत्म होने लगा, और उसकी वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज का खत्म होना शुरू हो गया। तो इसकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे कि वीविंग, पॉटरी, आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्क्स, जो कि अक्सर जो है ब्रिटिश ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चैलेंज पोज करते थे, वो सब जो है बर्बाद होने लगे। तो ये भी जो है कॉलोनाइजेशन का एक असर था, समझ गए, कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इनको जो है धीरे धीरे बर्बाद कर देना, इनको खत्म कर तबाह कर देना, ताकि जो ब्रिटिश ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग है उनके सामानों को जो है इंडिया में चैलेंज देने वाला कोई भी ना रहे और वो जो है ज्यादा से ज्यादा बिक सके। Now let us look at some social changes which are also important. क्योंकि कुछ important social changes जो थे वो इस period में हुए इंडिया में, ये जो है mainly caste system से deal करने वाले थे, tribal societies से deal करने वाले थे, और साथ ही साथ जो है महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था उससे जो है deal करने वाले थे। They dealt with issues of caste system, tribal societies and treatment meted out to women, मतलब जो व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता था। ये मिड 18th सेंचुरी में इंडिया के जो डिफरेंट रीजनल पावर्स थे उनकी एक झांकी है, बाद में अंग्रेजों ने आके सब की हवा टाइट कर दी, देख लेना एक लास्ट झलक इनकी। एनीवेज, इसके अलावा जो है वाइड स्प्रेड रिफॉर्म मूवमेंट्स वर लेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस कॉलोनियल पीरियड में ही जो है कई सारे जो है समाज सुधार आंदोलन भी जो है लीड किए गए थे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों के द्वारा। कुछ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन यानी कि कानून पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया, विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहित किया गया, इनकरेज्ड विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ जो है गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। एक और जो इंपॉर्टेंट चेंज या प्रयास चेंज था वो ये था कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने का, जोड़ने का जो है प्रयास किया गया। अनदर सेट ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। एक और जो सेट ऑफ चेंज हुआ कॉलोनियल पीरियड में उसका प्रभाव पड़ा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। The British required a large number of people to run different levels of administration. British को जो है काफी संख्या में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि administration के जो है different levels को चला सके, है ना, मतलब काम करने वालों मजदूरों की जरूरत थी, उनको कर्मचारियों की जरूरत थी। Therefore, they overhauled the traditional system of education, leading to the birth of an English educated middle class in India. तो इसलिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था इंडिया का, जो पारंपरिक जो शिक्षा की व्यवस्था थी इंडिया की, उसको पूरा जो है उन्होंने उलट पुलट के रख दिया, और इसकी वजह से इंडिया में जो है इंग्लिश की पढ़ाई किए हुए मिडिल क्लास का उदय हुआ। दिस क्लास नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेट्स टू सर्व द ब्रिटिश रूलर्स, इट गेव राइज टू सम आउटस्टैंडिंग लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास थी इंडिया के, इसने ना सिर्फ अंग्रेजों की सेवा करने वाले जो है ब्यूरोक्रेट्स को पैदा किया, अफसरों को पैदा किया, बल्कि इसने जो है कुछ आउटस्टैंडिंग लीडर्स को भी पैदा किया जिन्होंने कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ओके, सो वेल दैट इज अबाउट द सोशल चेंजेस। नाउ लेट अस यू नो क्विकली लुक एट इंडियन नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो देखो नेशनलिज्म जो है It signifies a great love for one's motherland and a desire to liberate it from foreign rule. Okay, nationalism का मतलब सीधा सीधी हो गया कि जो आपकी national identity है, ठीक है, उस national identity के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, उसके प्रति जो पूरी तरह से loyal होना, ठीक है, that is nationalism. उसके प्रति जो है pride की feeling रखना, ये जो है nationalism होगा।
और ऑफ कोर्स जब नेशनलिज्म की फीलिंग होगी किसी में तो वो जो है ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके देश के ऊपर, उसके मातृभूमि के ऊपर जो है किसी दूसरे का अधिकार हो या दूसरे का दबदबा हो। तो ऐसे में जो है वो क्या करेंगे, वो जो है इसको लिबरेट करवाने का प्रयास करेंगे। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन था, मतलब इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, तो इसके साथ जो है इट ब्रॉट इन आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड नेशनहुड, विच इंस्पायर्ड एजुकेटेड इंडियंस टू क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल। जो ये वेस्टर्न एजुकेशन जो था, ये लोकतंत्र, आई मीन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, बराबरी, लिबर्टी और ये राष्ट्रवाद वगैरह का जो आइडिया था वो सब इंडिया में लाया, जिसने कि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको जो है इंस्पायर किया ब्रिटिश रूल को, उनको चैलेंज करने के लिए, ब्रिटिश रूल से सवाल पूछने के लिए। द एजुकेटेड इंडियंस फेल्ट दैट इट वॉज द राइट ऑफ इंडियंस टू डिटरमिन द मैनर इन विच दे शुड बी गवर्न। अब आप जो है इन इश्यूज के बारे में क्लास 19 में ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा, जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में जानिएगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान उधर से ही आ रहा था। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो महसूस कर रहे थे कि ये जो है भारतीयों का अधिकार था कि वो जो है तय करे कि उनके ऊपर किस तरीके से शासन हो। सो द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन एंड इंडियंस एज ए पीपल लेड टू द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से इंडिया का एक नेशन के तौर पर डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो है इंडियन एज अ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी, इसी ने जो है लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भी जो है प्रेरित किया, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भी आगे बढ़ाया। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक हियर, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन द मीन टाइम यू विल हैव सम यू नो लाइक एक्टिविटीज और एन असाइनमेंट बेस्ड ऑन द सेक्शन दैट वी हैव कवर्ड टुडे। सो वेल सी यू विद द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।